हेलो क्लास एंड वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सब सामने देख रहे हो मेरी तरफ, हम एपीसी अलका धवन से केस स्टडी कर रहे थे, केस स्टडी नंबर 12। पहले 12, 13, 14 और फिर बेटा 8 केस स्टडी करेंगे। और बाबू बता देता हूँ, 12th केस स्टडी और 8th केस स्टडी, ये आपका फोकस और प्रायोरिटी होनी चाहिए आज, ठीक है ना। इसमें नई बातें सीखनी है, दोनों में हमने कुछ ना कुछ। लो बेटा, केस स्टडी नंबर 12। एक दिन आपको याद होगा बेटा, जब मैंने आउटसोर्सिंग टॉपिक ख़त्म किया था, मैंने ये बोला था बेटा कि अभी मैंने जिस आउटसोर्सिंग की बात किया उसे हम BPO बोलते हैं। मैंने बोला था ना प्यार से, मैं इसे आउटसोर्सिंग बोलता हूँ लेकिन इसे बोलते हैं BPO है। BPO मतलब बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और मैंने कहा था एक और तरीके की आउटसोर्सिंग होती थी, इसको KPO बोलते हैं हम, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। चर्चा करूंगा इसकी, पहले केस स्टडी पढ़ता हूँ बेटा। लो पहले रिक्वायरमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट, डिफाइन द टर्म आउटसोर्सिंग, ये तो हो जाएगा बेटा। और नीचे एक बार रीड करना बेटा सॉल्यूशन में क्या लिखता है। आउटसोर्सिंग रेफर्स टू द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, जनरली द नॉन कॉर एंड ऑफ लेट इवन सम ऑफ द कॉर एक्टिविटी टू अ कैप्टिव और अ थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट विद अ व्यू टू बेनिफिटिंग फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज एफिशिएंस एंड इवन इन्वेस्टमेंट। खैर मैं अभी बात बताऊंगा इसका। बाबू पुराने जमाने में क्या होता था, हम अपनी नॉन कॉर एक्टिविटी को ही आउटसोर्स करते थे। लेकिन इन अ मॉडर्न टाइम हमने अपनी कॉर एक्टिविटी को भी आउटसोर्स करना शुरू कर दिया। और जब हम अपनी कॉर एक्टिविटी को आउटसोर्स करते हैं तो उसको हम KPO बोलते हैं। याद आई बात बेटा, आउटसोर्सिंग में मैं तो यही बोलता था ना, नॉन कॉर को आउटसोर्स कर रहे हैं। कोई फर्म सैनिटेशन को आउटसोर्स कर रही थी, कोई स्कूल अपनी सिक्योरिटी सर्विसेज को आउटसोर्स कर रही थी, कोई होटल बेटा लॉन्ड्री सर्विसेज आउटसोर्स कर रहा था। क्या हम अपनी कॉर एक्टिविटी भी आउटसोर्स कर देते हैं बेटा? कर देते हैं कॉर एक्टिविटी आउटसोर्स। आपको ध्यान दिलाता हूँ, मैंने एक एग्जांपल दिया था, लेकिन मैंने बताया था ये KPO का एग्जांपल है बेटा। अमेरिका में रात को किसी होटल में इमरजेंसी हो जाती है किसी पेशेंट के साथ, वो अपने डॉक्टर को नहीं बुलाते, वो क्या करते हैं बेटा, डॉक्टर की सर्विसेज हायर कर लेते हैं इंडिया से। क्यों बेटा? क्योंकि इंडिया के डॉक्टर बहुत सस्ती कॉस्ट पे अवेलेबल हैं। दूसरी बात बेटा, अगर नाइट में अमेरिका के किसी डॉक्टर को उठाओगे पक्का बहुत बढ़िया चार्जेस ले लेगा, इंडिया में उस टाइम पर दिन हो रहा होता है। दूसरा बेनिफिट है ये, याद है मैंने बात बोली थी, आप खुद सोचो बेटा हॉस्पिटल का काम क्या है, पेशेंट को ट्रीटमेंट देना। आपने अपनी कॉर एक्टिविटी खुद परफॉर्म करी? जब आपने कॉर एक्टिविटी ही आउटसोर्स कर दी, जब भी आप बेटा अपनी कॉर एक्टिविटी को आउटसोर्स करते हो, इसको हम KPO बोलते हैं बेटा। समझ आ गया होगा क्या कहना चाह रहा हूं। केस स्टडी पढ़ो, क्लैरिटी डबल होगी बेटा। और आपको बता देता हूं, केस स्टडी से KPO बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। चलो जी बाबू, ए पार्ट में डिफाइन द टर्म आउटसोर्सिंग, बी पार्ट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव लाइन। बाबू अबव केस में मुझे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कौन सी टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग है। अब ये तो समझ लो बेटा, अगर नॉन कॉर एक्टिविटी गई तो बेटा हम बोल देंगे कि क्या ये BPO है, और अगर कॉर एक्टिविटी निकली हम बोल देंगे कि ये KPO है। चलो जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं बेटा। There is a increasing pressure on the pharmaceutical companies to improve productivity and the profitability without sacrificing quality. बेटा pharmaceutical companies समझते हो कौन सी होती हैं? Pharma companies कौन होती हैं? Medicine company बेटा, ठीक है ना बेटा, जो जितनी company medicine बनाती है। कहता है उनके ऊपर pressure बढ़ता जा रहा है कि आप अपनी productivity और profitability तो improve करो, लेकिन quality के साथ sacrifice मत करो, बहुत अच्छी क्वालिटी के मेडिसिन प्रोड्यूस करो। इन ऑर्डर टू सस्टेन देमसेल्फ मेनी कॉम्पिटिटिव ग्लोबल फार्मा कंपनीज सच एस एस्ट्राजेनेका ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फाइजर नोवार्टिस एंड इली लिली आर आउटसोर्सिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ देयर क्लिनिकल ड्रग टेस्टिंग वर्क टू इंडिया इन एन एफर्ट टू टैप अप द पूल ऑफ हाईली स्किल्ड बट लो वेज डिमांडिंग साइंटिस्ट। बेटा कह रहे प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना। इस सब के लिए बेटा क्या कर रही है, बहुत अच्छी अच्छी फार्मा कंपनी अपनी टेस्टिंग इंडिया से करा रही है। भाई फार्मा कंपनी का मेन काम है टेस्टिंग। अगर फार्मा कंपनी R&D में पैसा नहीं खर्चेंगी, R&D खुद नहीं करेंगी, तो बेटा नई मेडिसिन प्रोड्यूस कैसे करोगे? R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट। बेटा R&D नहीं खुद करोगे
तो कहां से प्रोड्यूस करोगे कुछ? अभी तो बहुत सारी बेटा दुनिया में बीमारियां ऐसी हैं जिसकी मेडिसिन ही नहीं है। कैंसर को क्योर करने की कौन सी मेडिसिन है इंडिया के पास या पूरी दुनिया के पास? और अगर आप रिसर्च नहीं करोगे तो प्रोड्यूस कैसे होगी बेटा? कोविड मेडिसिन तो कोई नहीं है, वैक्सीनेशन है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड मेडिसिन। वैक्सीनेशन सिर्फ कम कर सकता है, मेडिसिन से तो बीमारी खत्म हो जाती है तो नहीं ना बेटा? तो बाबू क्या क्या कह रहा है? रिसर्च ना ये इतनी सारी फॉरेन कंपनी इंडिया से करा रही है। क्यों करा रही है बेटा इंडिया से? कहता है लो कॉस्ट साइंटिस्ट मिल जाते हैं यहां पर, ऐसे साइंटिस्ट मिल जाते हैं बेटा बहुत कम कॉस्ट में काम करने को तैयार हो जाते हैं। समझ में आया? ये तो समझ में आ रहा होगा कि फार्मा कंपनी ने अपनी मेन एक्टिविटी कोर एक्टिविटी इंडिया को दे रखी है। और आपको बता देता हूं बेटा बहुत सारी कोर एक्टिविटी इंडिया को मिल जाती है क्योंकि इंडिया में बेटा लेबर बहुत सस्ते में अवेलेबल है। दूसरी बात, इंडिया में बेटा बहुत सारे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। क्लियर बात? चलो पढ़ते चलो बेटा, आपको बता देता हूं एक कंपनी का नाम आया ना इसमें, फाइजर थर्ड नंबर पे, ठीक है ना, जो पी से स्टार्ट है, नाम बेटा फाइजर ही बोला जाता है। बाबू इसने वैक्सीन बनाई है, पता है किसी को? सुना होगा हा? चलो जी, हाँ जी सर, क्या चीज? एक्स्ट्रा जेनेका ने भी बनाई है वैक्सीन। अच्छा ठीक है, हो सकता है भाई। चलो जी बेटा फिफ्थ लाइन, इंडियाज एट्रैक्टिवनेस एज एन ऑफशोर डेस्टिनेशन फॉर क्लिनिकल रिसर्च इज फर्दर एनहांस्ड बाय द इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव पॉलिसीज रेंजिंग फ्रॉम टैक्स हॉलीडेज टू द ड्यूटी एग्जेम्पशन एज वेल एज इंडियाज एक्सेप्टेंस ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन हार्मोनाइजेशन गाइडलाइन फॉर द गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। बाबू कहता है इंडिया को क्लिनिकल रिसर्च मिल रही है और बहुत सारी ऑफशोर कंपनियां दे रही हैं। ऑफशोर समझते हो ना बेटा? ऑफशोर मतलब होता है ओवरसीज, ओवरसीज मतलब दूसरे देश दे रहे हैं बेटा। नाम क्या है? ओवरसीज, समुंदर के पार से, ठीक है ना बेटा। बहुत सारी कंट्रियां बेटा इंडिया में क्लिनिकल रिसर्च कंडक्ट कराती हैं क्योंकि बेटा बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि टैक्स हॉलीडे, टैक्स एग्जेम्पशन। मैं अभी इनमें नहीं उलझ सकता कि आपको समझाऊं टैक्स हॉलीडे क्या चीज होती है, टैक्स एग्जेम्पशन क्या होती है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में बताऊंगा जरूर इनके बारे में, ठीक है बेटा। चलो खैर ये समझ में आ गया कि क्लिनिकल रिसर्च इंडिया को मिल रही है। और बी पार्ट में इसने मुझसे पूछा था कि कौन सा टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग है, तो बेटा टाइप कौन सा है? केपीओ। ओके बात, चलो जी बढ़े आगे बेटा। केस स्टडी नंबर 13, धूम लिमिटेड। बस भाजी अब तो हो गया भाई, केस स्टडी बहुत बढ़िया है ये। चलो ये पहले रिक्वायरमेंट पढ़ो बेटा, एक्सप्लेन एनी थ्री बेनिफिट दैट द कंपनी इज गोइंग टू डेराइव फ्रॉम आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग के तीन बेनिफिट, डायरेक्ट क्वेश्चन। पांच पढ़े थे बेटा, कोई तीन चिपका देना। मैंने सबसे पहले सबसे लास्ट हेडिंग पढ़ाई थी, याद करो, फिलिप टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। देन कॉस्ट रिडक्शन की बात करी थी हमने, फोकसिंग ऑन अटेंशन, ग्रोथ थ्रू अलायंस की बात करी थी, बहुत सारी बात की थी इसमें बेटा। बी पार्ट, व्हाट इज द मेन कंसर्न ऑफ फर्म ओवर आउटसोर्सिंग। चार कंसर्न है, मेन इज कॉन्फिडेंशियलिटी। याद है आपको बेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में मैंने अपना एक एग्जाम्पल दिया था, आपको बैंक का एक एग्जाम्पल दिया था, ठीक है ना। बैंक अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बेटा किसी कंपनी से बनवाता है, वहां डेटा लीक होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है जी। बढ़े आगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। पहले रिक्वायरमेंट, एक्सप्लेन ब्रीफली द फीचर ऑफ आउटसोर्सिंग। बेटा तीन फीचर थे, आउटसोर्सिंग इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स, प्रोसेस में भी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट। ये तीन फीचर थे। बी पार्ट, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग बींग डिस्कस्ड इन द अबव लाइन। बेटा ये आप बताओ पढ़कर कि कौन सा टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग है, फटाफट से पढ़ना बेटा। ये फर्म क्या कर रही है? आउटसोर्स कर रही है अपना अकाउंटिंग वर्क। अकाउंटिंग वर्क ऐसा नहीं है बेटा जो किसी को बहुत बढ़िया नॉलेज दे देगा। आप खुद समझो बेटा, सुनो बेटा, केपीओ मतलब नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। आप खुद सोचो बेटा, किसी फॉरेन कंपनी का नाम ले लो, फाइजर ने इंडिया के किसी साइंटिस्ट को कहा आप रिसर्च कंडक्ट कर दो किसी पर्टिकुलर बीमारी पे, किसी पर्टिकुलर डिजीज पे, और बेटा इंडियन साइंटिस्ट रिसर्च कर रहा है किसी बीमारी पे, भाई वो बहुत बढ़िया नॉलेज एक्वायर करेगा, बहुत बढ़िया नॉलेज एक्वायर करेगा ड्यूरिंग रिसर्च।
जब भी आप नॉलेज एक्वायर करोगे, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग होगा। अकाउंटिंग से नॉलेज क्या मिलेगी? आप क्या करोगे, किसी ऐसी फर्म को बेटा अकाउंट्स बनाने के लिए सौंपोगे जिसको अकाउंट्स पहले से आते हैं। वो सीखा क्या बेटा आपके काम से? हमेशा ध्यान रखना, मैं दो तीन एग्जाम्पल दे रहा हूं। जब भी बात होगी कंसल्टेंसी की, जब भी बात होगी लीगल कंसल्टेंसी की, जब भी बात होगी मेडिकल रिसर्च की या किसी और रिसर्च की, ये सब एग्जाम्पल केपीओ के होंगे। कई बार क्या करते हो आप, मैं समझाता हूँ, आप बहुत बड़े लॉयर हो, बहुत बड़े लॉयर, आपके पास बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, आप इतने प्री ऑक्यूपाइड हो कि आपके पास एक केस आया, आपके पास संभालने का टाइम नहीं था। आपने बेटा अपने एक छोटे लॉयर को कह दिया तू संभाल ले केस। सर ना चाहते हुए भी वो जो छोटा लॉयर है ना, इस केस से बहुत कुछ सीख जाएगा, कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज एडिशन हो जाएगी। तो ये केपीओ है। कोई भी रिसर्च हो किसी भी तरीके की, पक्का आप कुछ ना कुछ सीख जाते हो बेटा, केपीओ है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, रिसर्च, मेडिकल रिसर्च, कंसल्टेंसी, लीगल कंसल्टेंसी, ये सब बातें केपीओ होती हैं। क्लियर बात? तो बाबू अकाउंटिंग में कुछ नहीं रखा, आप तो अकाउंट्स किसी ऐसी कंपनी को ही बनाने को दोगे जिसको पहले से आते हैं बेटा। तो यहां पर बेटा कुछ नहीं सीखेगा, वह नॉलेज नहीं बढ़ेगी। तो बीपीओ आंसर है, ठीक है जी। केस स्टडी नंबर 8, मार्क इट एज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर का पार्ट होनी चाहिए। बड़े जी, चलो जी बाबू पढ़ना शुरू करेंगे। ऑल दो मैं बुक का सॉल्यूशन जैसा सेम सॉल्यूशन को एग्री नहीं करता, मुझे नहीं लगता इसकी, इनका आंसर बहुत करेक्ट है, कुछ ना कुछ गलती जरूर है। बाबू एक बार वैसे काम करना, इनका सॉल्यूशन देखना। B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, C2B, ये कौन सा कॉमर्स है भाई? कस्टमर टू बिजनेस इनके हिसाब से, लेकिन भाई हमने नहीं पढ़ा ना। जब NCERT में नहीं है तो मेरी इतनी अथॉरिटी नहीं कि मैं NCERT को सुपर सीड कर जाऊं और ऐसा कोई आंसर लिखवा दूं। चलो खैर पढ़ लो। इंट्रा भी, B2E कॉमर्स, अबे ये कौन सा है भाई? और C2C, यानी कि दो बातें हमने नहीं पढ़ी हुई। घबराओ नहीं बेटा, हमने पढ़नी भी नहीं है ना। वो B2, मैं उसको भाई इंट्रा भी मानता हूँ। अगर एम्प्लॉइज के थ्रू हम बात कर रहे हैं या एम्प्लॉइज से बात कर रहे हैं तो वो भी बेटा इंट्रा भी होती है। चलो खैर हम पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं, इनके आंसर से मैच नहीं करेगा हमारा आंसर, थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। चलो, स्प्लेंडर लिमिटेड इज अ पॉपुलर म्यूजिक कंपनी, कीपिंग इन लाइन विद द चेंजिंग ट्रेंड द कंपनी यूजेस वेरियस टाइप ऑफ ई बिजनेस एक्टिविटी टू ऑपरेट सक्सेसफुली। बेटा कोई म्यूजिक कंपनी है, जैसे कि ग्रोइंग ट्रेंड है, तो ये बिजनेस, ये भी अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जा रही है, ई बिजनेस में एंट्री ले रही है। एक बार रिक्वायरमेंट पढ़ना, कीपिंग इन माइंड द स्कोप ऑफ ई बिजनेस आइडेंटिफाई द वेरियस टाइप ऑफ ई बिजनेस एक्टिविटी अडॉप्टेड बाय स्प्लेंडर लिमिटेड बाय कोटिंग लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। बेटा इस पैरे में से मुझे लाइन कोट करके बताना है कि ई बिजनेस का कौन सा टाइप है। चलो जी बेटा सेकेंड लाइन पर हूं मैं, कहते हैं द कंपनी इंटरैक्ट थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर विद अ नंबर ऑफ अदर बिजनेस फर्म हु मे बी सप्लायर और द सेल्स पर्सन। बेटा ये लाइन क्या है? B2B कहता है कंपनी दूसरे बिजनेस के साथ बात करती है, तो सर और थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, तो समझ में आ रहा होगा बेटा बात चल रही है बिजनेस टू बिजनेस। ओके बात, चलो आगे बढ़ना। नेक्स्ट लाइन, द कंपनी कैरी आउट अ नंबर ऑफ प्रमोशनल एक्टिविटी एंड समटाइम्स इवन द डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक्स और फिल्म्स आर कैरिड आउट ऑनलाइन। बेटा बड़े काम की बात बोल रहा हूँ, सुन लेना, समझ में आ गया होगा समझदार बच्चों को। आंसर इज B2C। कहता है कंपनी बहुत सारी प्रमोशनल एक्टिविटी भी करती है, प्रमोशन करना मतलब ऐड करना, और कह रही कंपनी प्रोडक्ट की डिलीवरी भी देती है घर पर। बेटा आपको याद कराऊं, जिस दिन मैंने B2C लिखवाया था ना, मैंने तीन बातें लिखवाई थी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा आपके घर तक? दूसरी बात मैंने लिखवाया था आफ्टर सेल सर्विसेज, तीसरी बात मैंने लिखवाया था हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन, और कल रिवीजन करते टाइम ना मैंने बोल दिया था एक बार ऐड, मैंने बोला था चौथी बात अगर मैं बोलूँ तो ऐड होगी। तो बेटा ये रहा वो प्रमोशनल एक्टिविटी। बेटा जब आप B2C काम करते हो ना, ऐड जरूर करते हो, आपकी मेल्स पर रेगुलरली ऐड आते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के। अगर आपने साइन अप किया हुआ है ना, एक बार मेल खोल के देखना, सर्च में ना डाल के देखना सिर्फ अमेजोन, और बताना मुझे कितनी मेल पड़ी हुई है।
कंपनी रेगुलर ऐड करती है बेटा, ये बी टू सी का एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है जी, बढ़े आगे बाबू। नेक्स्ट वन बोलता है द कंपनी हैज सेट अप कॉल सेंटर्स फॉर द कस्टमर टू मेक टॉल फ्री कॉल एंड रजिस्टर देयर क्वेरीज एंड लॉज कंप्लेन राउंड द क्लॉक एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। बेटा कहता है कस्टमर कभी भी कंप्लेन कर सकता है, अगर किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसको दिक्कत है, अपनी कंप्लेन को लॉज कराए, कोई भी क्वेरी है बताए कंपनी को राउंड द क्लॉक, यानी कि 24 आवर, और कोई पैसा नहीं देना। बेटा इन्होंने तो आंसर देखोगे ना सी टू बी लिख दिया, सर बी टू सी लिखना। अगेन हमने तो पढ़ा हुआ है हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेन, अगर कोई कंपनी आपकी कंप्लेन सुन रही है तो भाई है तो बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर ही तो है। अगर आप कस्टमर की कंप्लेन सुन रहे हैं कोई बिजनेस, तो सी टू बी थोड़ी कर दोगे, इट इज बी टू सी। सी सही कर लेना सॉल्यूशन में, हमने बी टू सी लिखना है, एनसीईआरटी को सुपर सीड कर जाए ऐसी हमारी हिम्मत नहीं। बढ़े आगे, बस सॉल्यूशन में बी टू सी करना है। ठीक है, लाइन सेम कोट करके चलनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था लाइन कोट करना। आप बढ़े आगे बाबू। चलो बेटा नेक्स्ट लाइन, द कंपनी मेक यूज ऑफ इंट्रानेट। सर याद आया होगा कल मैंने बात बोली थी, ठीक है ना, इंटरनेट में एक टनल बनाना, सिक्योरिटी टनल बनाकर हम बात करते हैं वीपीएन के थ्रू। ठीक है ना, एक ही बिजनेस के बहुत सारे डिपार्टमेंट, सारी बिजनेस मीटिंग, और बिजनेस का ओनर जो अपने एम्प्लॉइज के साथ मीटिंग लेता है, कल मैं एग्जाम्पल ले रहा था सीएम्स, बेटा हमारी स्टेट के सीएम ने डीएम्स की मीटिंग ली, पीएम ने सीएम्स की मीटिंग ली, सब वीपीएन के थ्रू होती है। चलो खैर पढ़ते चलो, द कंपनी मेक यूज ऑफ इंट्रानेट फॉर मैनेजिंग इंटरेक्शन एंड डीलिंग अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड द पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज इंट्रा बी कॉमर्स। इंट्रा बी क्या होता है बेटा, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही तो होता है, विद इन द बिजनेस ही तो होता है। नेक्स्ट लाइन, द कंपनी प्रोवाइड वीपीएन टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ विच इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द एम्प्लॉय टू कम टू द ऑफिस एंड द मीटिंग कैन बी हेल्ड ऑनलाइन एंड द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अगेन बेटा इन्होंने इसको लिखा बी टू ई, बिजनेस एम्प्लॉय के साथ बात कर रहा है, नहीं बेटा इसे भी हम इंट्रा बी ही लिखेंगे। क्यों भाई, अगर बाबू एम्प्लॉयज आपस में बात कर रहे हैं या आप एम्प्लॉय की मीटिंग ले रहे हो ऑन टेलीकॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉलिंग, बेटा इंट्रा बी तो है, एक ही बिजनेस के अंदर सारे एम्प्लॉय से बात चल रही है। क्लियर बात। एंड लास्ट लाइन बहुत काम की बात, द कंपनी यूजेस द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज लाइक पेपाल इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट पेमेंट ऑनलाइन। ये सी टू सी है, किसी को पता है पेपाल क्या होता है? पेटीएम जैसा ही है। किसी को बताओ पेपाल क्या है भाई? चलो मैं बताता हूं आपको बाबू, मैं बताता हूं सुनना बाबू। अच्छा OLX क्या है? दो कस्टमर के बीच में एक क्या है बेटा, एक इंटरमीडियरी तो है, दो कस्टमर के बीच में एक इंटरमीडियरी तो है बेटा पेपाल। आपको बता देता हूं ये भी एक इंटरमीडियरी हो सकता है दो कस्टमर के बीच में, ठीक है ना बाबू। मैं भी पेपाल का कस्टमर हूं, ठीक है ना, और एक इंसान जो मुझे पेमेंट कर रहा है वो भी पेपाल का कस्टमर है। समझाने के लिए बताता हूँ, मेरी एक वेबसाइट है बेटा esuccessmantra.com, ठीक है ना, जब मैं उसके ऊपर पेमेंट ऑप्शन लगा रहा था ना, तो जब भी आप उसके ऊपर पेमेंट ऑप्शन लगाते हो यानी कि ई कॉम वेबसाइट बना रहे हो, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट जो आज के ज़माने में बन रही है ई कॉम वेबसाइट बन रही है, कब आप वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बोलने लगते हो? जब बेटा उसके ऊपर पेमेंट ऑप्शन होता है तब आप उस वेबसाइट को ई कॉम वेबसाइट बोलने लगते हो। तो बेटा जब मैं पेमेंट ऑप्शन लगवा रहा था, मैं पेनड्राइव क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, तो कोई बेटा हो सकता है किसी और सिटी से मुझसे पेनड्राइव क्लासेस खरीदना चाहता हो, उसने क्या करा बेटा, पहले अपने कार्ट में ऐड करा कोई प्रोडक्ट, लेट्स सपोज 11 बिजनेस स्टडीज की क्लास, और जैसे ही बेटा पेमेंट के लिए ऑप्शन दबाया तो बेटा वो मुझे पे कर सकता है, मैंने उसके लिए पेपाल की फैसिलिटी ली हुई है, पर ट्रांजैक्शन पेपाल मुझसे चार्ज करता है, पेपाल के थ्रू बेटा वो मेरे अकाउंट में आते हैं पैसे, मैं भी पेपाल का कस्टमर हूं, और बेटा वो इंसान जो पे कर रहा है वो भी पेपाल का कस्टमर है। इट इज सी टू सी ट्रांजैक्शन, इट इज जस्ट OLX, आपने बेचने के लिए डाला, किसी और ने खरीदने के लिए डाला, दोनों ही OLX के कस्टमर हो आप, जस्ट लाइक दैट।
बेटा वो एक इंटरमीडियरी है, OLX भी तो एक इंटरमीडियरी है, एक ब्रोकर की तरह काम कर रहा है दो लोगों के बीच, पेपाल भी तो वैसे ही काम कर रहा है, ठीक है। इस केस स्टडी को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, पेपर की तैयारी रखो बेटा, ठीक है जी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।